आएगा ये है चाहते के फ्रेश एपिसोड्स। टीम कर रही है पूरी तरह से तैयारियां। आखिर किस दिन से होगी शूटिंग शुरू और आखिर हमें कब से देखने को मिलेंगे फ्रेश एपिसोड्स? चलिए जानते हैं पूरी खबर डिटेल में। स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते अपने नए एपिसोड लाने की तैयारियों में जुट गया है। खबरें आ रही हैं कि एकता कपूर के इस सीरियल की शूटिंग 27 जून से शुरू हो जाएगी। हाल ही में सीरियल में प्रीशा का किरदार निभाने वाली सरगुन कौर लूथरा ने अपने घर से सीरियल का प्रोमो भी शूट किया है, जिसके साथ उन्होंने अपने नए एपिसोड्स के साथ आने का आगाज कर दिया है। एक मीडिया पोर्टल से खास बातचीत के दौरान सरगुन ने बताया कि उनकी शूटिंग पहले 15 से 16 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई। सीरियल के प्रोमो शूट के बारे में बताते हुए सरगुन ने कहा, हमारे शो का जो लेटेस्ट एपिसोड्स ऑन एयर हुआ था वो होली का था, जहां मैंने और सारांश ने बहुत मस्ती की है। प्रोमो में भी ये दिखाने की कोशिश की है और गणेश जी की आरती की है। ये बताया है कि विघ्नहर्ता है, हमारे सारे दुख हरेंगे और हम जल्द ही मिलने वाले हैं। सही पॉजिटिविटी दिखाई गई है। बहुत जल्द ही सीरियल की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। शूटिंग के लिए सरगुन ने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने कहा, इस वक्त सबको अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखना जरूरी है। मैंने भी अपने और अपनी फैमिली के साथ काफी सारे मल्टीविटामिन्स लिए हैं। जो जो चीजें जरूरी हैं वो सब चीजें मंगाई हैं। अच्छा खाना, रोज एक्सरसाइज करना, जो जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। जब शूट स्टार्ट होगा हर 15 से 20 मिनट में हाथ धोएंगे, सब क्लीन रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। एक्टर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक फ्रेम में दो लोग तो रहेंगे ही और दूसरे कैमरे के सामने हम मास्क पहनकर तो नहीं रह सकते। रही बात मेकअप की और हेयर की, तो उसमें भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। सीरियल में प्रीशा की बहन के बेटे सारांश का किरदार विधान शर्मा निभा रहे हैं, जिन्हें प्रीशा अपना ही बेटा मानती हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक उम्र दराज और 10 साल से कम उम्र के बच्चे शूट नहीं करेंगे। इस पर सरगुन ने कहा, देखिए खबरें तो मैंने भी सुनी हैं और जो उम्र दराज हैं, जो लोग 10 साल से कम के बच्चे हैं, वो शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं पता है। आई होप वो हो, क्योंकि हमारी स्टोरी है जो कि बेसिकली मेरे सारांश और रुद्राक्ष के कलेक्शन की है। शूटिंग को रुके हुए 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में सरगुन को अपने रील परिवार की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। सरगुन ने कहा, सारांश से मेरी बात होती रहती है और उससे उसकी मम्मी से मेरी अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई है। रुद्राक्ष से भी कुछ टाइम मेरी पहले बात हुई थी तो पता चला कि वो अपने घर जम्मू गया हुआ है। ज्योति यानी कि बबल, जो मेरी फ्रेंड बनी है, जो मेरे मम्मी पापा बने हैं, उन सब से मेरी बातचीत होती रहती है और हम सब बीच बीच में वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं। उसमें सभी स्टार कास्ट शामिल थे। लॉकडाउन में सरगुन के साथ अच्छी बात ये हुई कि उनकी फैमिली उनके साथ रहने आ गई। इतना ही नहीं, अपने आप को बिजी रखने के लिए सरगुन ने इस लॉकडाउन पीरियड में गिटार बजाने की खूब प्रैक्टिस की है। खैर, सीरियल की शूटिंग जल्दी शुरू होगी और दर्शकों को जल्द ही फ्रेश एपिसोड देखने को मिलेंगे। वेल, आप इस शो के फ्रेश एपिसोड्स को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।